हम नहीं कर पाए वो है दल बदल विधेयक पर, अगर आप हाँ गौर कर रहे होंगे तो हाँ दल बदल के विचित्र रूप, संभवतः जो रूप अब इस बीच में दिखे हैं वो उसके पहले नहीं दिखे हैं। खासतौर पर दुबे जी बैठे हैं, आप ये देखिए कि जहां चीफ मिनिस्टर भी विधान परिषद में आ रहा हो किसी और पार्टी के आदमी का इस्तीफा दिलवा करके, पिछले बार की बात कर रहा हूं, अपर हाउस में यहां भी या और भी जगहों पर बहुत सारा, आप जैसे अभिलाष जी ने जिक्र किया महाराष्ट्र के अपर हाउस के 12 लोगों का राज्यपाल महोदय को दिया गया और वो उन्होंने तब तक उस दबा फाइल लिया। को क्लियर नहीं किया जब तक नई सरकार नहीं आ गई। 2019 के दिसंबर महीने में, यही महीना था, देहरादून में पूरे देश के पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हुआ, तो मैं राज्यसभा टीवी में था, मुझे मौका मिला वहां जाने का। सम्मेलनों को, ऐसे सम्मेलनों को हमने, उसके अंदर जो सबसे बड़ा जो डिबेट का इशू था वो ये था कि सारे पीठासीन अधिकारी, सारे विधानसभाओं के अध्यक्ष ये चाहते थे कि दल बदल कानून में संशोधन होना चाहिए, क्योंकि जो पीठासीन अधिकारी हैं उनके बहुत सारे फैसलों पर अदालतें जो है वो टीका टिप्पणी कर रही हैं, और स्वाभाविक है, उनका ये कहना था कि स्वाभाविक है, हम किसी पार्टी से बंधे होने के नाते हमारे लिए बड़ी मजबूरी हो जाती है अपने पार्टी के पक्ष में खड़े होना, अगर देर से हम फैसला करते हैं तो अदालत हमारे ऊपर हमारे प्रतिकूल टिप्पणियां करती हैं, तो क्या ये संभव नहीं है कि एक तीसरा निकाय हो जो दल बदल के मामलों को निपटारा करे? यानी जो पीठासीन अधिकारी चाहते थे कि हम उससे अलग हटे। अभी एक सवाल पार्लियामेंट में आया जिसमें किरण रिजिजू साहब ने कहा कि नहीं ये कोई मसला ही नहीं है, इसलिए दल बदल विधेयक कानून में कोई बदलाव ले आने की कोई बात ही नहीं है। आप ये देखिए सरकार की नीति, और हम लोग मीडिया के लोग हैं, मीडिया के बारे में चिंता करते हैं, जी पीठासीन अधिकारी जो कि विधानसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष, विधानसभाओं के, विधान परिषदों के जो पीठासीन अधिकारी हैं वो कहते हैं साहब दल बदल कानून में ऐसा कोई बदलाव होना चाहिए, बहुत जरूरी हो गया आज के दौर में, और साहब विधि और न्याय मंत्री साहब कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई जरूरत नहीं है इस समय जो है। आप ये कंट्राडिक्शन देखिए कि मतलब हमारी रिक्वायरमेंट कुछ और है। तो भैरव सिंह जी कहते थे, भैरव सिंह जी अभी जैसे चौथे पक्ष की, प्रमोद जी ने बड़ी चर्चा की, तो भैरव सिंह जी कहते थे कि एक पांचवा भी स्तंभ है वो है गरीब लोग, ये हाँ गरीब ये बात लोग जो तो है है। चुनते हैं लोगों को, ये गरीब लोग हैं जो चुनते हैं। और अगर आपने देखा होगा तो मैंने इतने वर्षों से देख रहा हूं, माधव सिंह सोलंकी से लेकर अब तक जो मुख्यमंत्री हुए, मौजूदा मुख्यमंत्री को छोड़ के सारे लोग मुझे निजी तौर पर भी जानते रहे हैं, और मैं घूमता घामता रहने वाला आदमी हूं, ये पहला चुनाव है जिसमें शायद कांग्रेस ने सबसे अगंभीर तरीके से लड़ा है चुनाव। मतलब आप ये देख लीजिए उठा करके पूरे प्रचार तंत्र से लेके पूरा संसाधन साधन लोगों के आने जाने का, और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है कि आप अगर गौर करोगे तो आप लखनऊ के मोहल्ले के भी 1000-2000 लोग गए होंगे, कोई बिल्कुल बिल्कुल जिला सही कह ऐसा रहे हैं। भारत का नहीं होगा जहां से लोग न गए हों। ठीक है, इसके बाद भी जो आम आदमी पार्टी के 5 आदमी जीते हैं जी वो कहीं और जाने के फिराक में है, तो आप ये समझ लीजिए गुजरात फिर भी तीसरी ताकत को प्रोजेक्टेड करने के बाद भी गुजरात कहाँ जा रहा है? गुजरात में केवल टू पार्टी सिस्टम होने जा रहा है, वो है कांग्रेस और बीजेपी। इसके बाद भी आप उठा के देख लीजिए, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गोस्वामी जी दुबे जी बैठे हैं यहाँ, इसके बाद भी कांग्रेस वहां 27% से ज्यादा वोट ले आई है। 27%, 27% राजनीति की मुख्य धारा में बने रहना काफी है। नंबर 2, इस चुनाव में हिमाचल प्रदेश को जीतने की कोई भी ऐसी कोशिश नहीं है जो इस सरकार ने ना की। ये बताया कि साहब उत्तराखंड बगल में है, दोबारा बन गई है, उत्तर प्रदेश में तो बनी गई है, कहाँ नहीं बनी है, और डबल इंजन, उस डबल इंजन को चलाने के लिए हर संभव, और पूरे देश भर के मुख्यमंत्री मंत्री सब लोग पहुंचे हुए थे हिमाचल प्रदेश में, कोई ऐसी कोशिश है जो ना हुई हो। प्रधानमंत्री साहब ने 4 मीटिंगें की, प्रियंका गांधी ने भी 4 ही मीटिंग की, अगर आप देखेंगे बड़ी जो मीटिंगें हैं 4 ही की। इसके बाद भी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को कहते हैं कि वोट पर, लेकिन लेकिन सवाल यह है कि सवाल एक साहब 6% से ज्यादा वोट कम कैसे हो गए बीजेपी के अगर इतने सारे होते?
चलो ठीक है, मान रहे हैं कि भाजपा को जो कुल वोट मिले हैं उनके और कांग्रेस को मिले वोटों में फर्क है, तो आप 15,000 के बगल में देख आसपास। लीजिए, आप बगल में मध्य प्रदेश में देख लीजिए, अभिलाष जी बैठे हैं, चारा जी करेंगे, 1 से 2% के बीच में कई सरकारें बनी है पिछले उसमें। तो आप हिमाचल की बात नहीं, हिमाचल में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में 15 सीटों का फर्क है, और ये 15 सीटें कम नहीं है। और इसके बाद दिल्ली के जो नतीजा आया है उठा के देखिए, जी। दिल्ली में संभवतः इतिहास में, दिल्ली के नगर निगम के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा जिसमें इतने मंत्री लोग लगे रहे होंगे नगर निगम पार्षद को जिताने के लिए। कभी नहीं लगते। आप बैठे इसके बाद भी आम आदमी पार्टी जीत गई, तो संकेत क्या, भाग्य विधाता राज्य कौन है? भारतीय जनता पार्टी के पास आज के तारीख में, मैं कह रहा हूं गुजरात की बड़ी बात हुई है, गुजरात में आप सब जीत लोगे तो 26 से ज्यादा सीटें तो नहीं जीतोगे ना आप। आप सब कुछ आपको गुजरात में मिल गया, अगर परसेंटेज बहुत बढ़ गया, बिल्कुल सही बात, छब्बीस बिल्कुल सी है सही ना साहब। डॉक्टर। उत्तर हाँ प्रदेश है जहां से आप सांसद हैं, मैं ये कह रहा हूं कि भाग्य विधाता राज्य भारत के जो है वो कौन कौन के, मैं गिना दे रहा हूं, आप समझ लीजिए वो कहाँ है, किसके पास है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक। अभी आप देख लीजिए, अभी कर्नाटक का चुनाव होने जा रहा है, इस साल कई राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं, वो अपने आप में होने बता देंगे कि 24 किधर जाएगा और जा आने वाले समय में क्या है। देखिए इस देश में जो जनता है वो बहुत ही मेच्योर स्टेज में है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल, वो पहले क्या था कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भी एक अस्थिरता का वातावरण था, वहां भी एक स्थिर सरकार आने लगी है, 2007 से आने लगी है। यूपी के लोगों ने मायावती को चुन के भेज दिया कि लो पूरी सीटें दे रहे हैं, जो चलाना है चलाओ। फिर अखिलेश यादव को दे दिया कि लो आपको जितना चलाना है चलाओ। योगी जी को भी दे दिया कि आपको बुलडोजर चलाना है आप चलाओ, या कुछ और चलाना है तो चलाओ। तो अब ये जो दौर है ना, अगर आप उठा करके देख रहे होंगे तो, लेकिन इन भाग्य विधाता राज्यों में अगर आप गौर करेंगे तो इनमें बहुत ज्यादा कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है जो है। स्थिति नहीं है, बिल्कुल सही तो बात। और शायद मुझे लग इसीलिए। रहा है 24, और अभी हाँ जो वातावरण जो मैं देख रहा हूं एक पत्रकारिता में, राजनीतिक पत्रकारिता करते हुए, मैं ये देख रहा हूं कि अपोजिशन को यूनाइट करने का एक मौका जो है मोदी साहब ने दे दिया है। क्योंकि अगर आप गौर करेंगे तो इस समय भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी बची है जिसके पास कोई भी महत्वपूर्ण अलायंस पार्टनर नहीं है। शिवसेना भी जा चुकी है और आने के कोई चांस नहीं है, जो सबसे पुराने थे। अकाली दल जो कि देश के सबसे पुरानी पार्टियों में है वो भी जा चुका है। इस समय कौन है वो उत्तर प्रदेश में, अपना जो है दल अपना दल, अनुप्रिया अनुप्रिया पटेल, पटेल। चिराग पासवान एक, और ऐसे ही लोग हैं फुटकर चिल्लर, कोई बड़ा महत्वपूर्ण दल इस समय नहीं आप है। फुटकर चिल्लर कह और रहे हैं ये। जो हैं वो दूर रहना चाहते हैं, नवीन पटनायक दूर रहना चाहते हैं, आप उठा के जगन भी दूर रहना चाहते हैं, ये सब लोग हैं जो मौके मौके पर सपोर्ट करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं, 24 के बारे में बेसिकली आने वाले जो विधानसभाओं के चुनाव है वो तय करेंगे और शायद कि उस इसीलिए तरफ टकराव कहाँ की स्थिति। जाएगी। जी हाँ बिल्कुल। जी जी बिल्कुल। बहुत और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।